मजा आया। और भाइयों कैसे हो आप सब, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। वैसे यार बहुत सारे दिन हो गए कारीगरों के ऊपर वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने सोचा चलो आज अपने दोस्तों की ख्वाहिश पूरी कर ही देते हैं। तो भैया फिर से हाजिर है हम आपके लिए कारीगरों और इंजीनियरों की एक नई वीडियो लेकर, जो कि पहले की तरह ही काफ़ी ज़्यादा फनी और मज़ेदार होने वाली है। तो प्लीज़ यार मेरे कहने पर आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा हंसी और मज़ा आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे आप लोगों का इस शौचालय के बारे में क्या ख्याल है? नहीं मतलब इस पर शौच कैसे करेंगे, एक टांग पर बैठकर या फिर कोई और टेक्निक लगानी पड़ेगी? क्योंकि भैया मिस्त्री साहब ने इतना बढ़िया शौचालय बनाया है कि अब मकान मालिक को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसमें शौच करना कैसे है। भैया अब आप ही हेल्प करो मकान मालिक की, जरा कमेंट में बताओ कि इसमें कैसे क्या करना है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कहते हैं कि घर कोलम के ऊपर टिका हुआ होता है, और कहते क्या है इतना तो हमें भी पता है कि घर कोलम के ऊपर ही टिका हुआ होता है, लेकिन भैया इसको देखकर तो कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि इसके ऊपर घर टिका हुआ है, बल्कि ये खुद भगवान की कृपा से टिका हुआ है, तो घर क्या इसके ऊपर खाक टिकेगा। और चलो वैसे भी अगर कोलम टूट गया है, हम मानते हैं कहीं टूट गया होगा गलती से, लेकिन भैया इसे भी किसी कलाकार बंदे ने टेप से चिपका रखा है। मतलब यार इस बंदे को टेप के ऊपर जितना भरोसा है ना, इतना भरोसा तो मेरे घर वालों को भी मेरे ऊपर नहीं है। बस बनाएगा क्या यार, आज तक कारीगरों ने एक से बढ़कर एक शानदार शौचालय बनाए हैं, और शायद आपके घर में भी कारीगरों ने बहुत अच्छा शौचालय बनाया होगा, लेकिन मुझे पक्का पता है भैया ऐसा शौचालय तो आप में से किसी के भी घर पर नहीं होगा। अब यार ये क्या नया आइटम है, शौच के टाइम पर भी एक सफर करने का आनंद। वाकई में यार जिस किसी भी कारीगर ने ये कलाकारी की है ना, उसके टैलेंट को तो हाथ जोड़कर नमन है गुरु। वैसे इस शौचालय को लेकर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि क्या इसमें भी हेलमेट अनिवार्य है या फिर नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, कमेंट में बताना यार, वरना कहीं पुलिस ने चालान काट लिया तो। मारो मुझे। आपने सड़कों पर बहुत सारी जगह स्टॉप लगे हुए देखे होंगे जो कि गाड़ियों को रोकने के लिए होते हैं, या फिर रेलवे फाटक पर, और तो और टोल नाके पर भी गाड़ियों को रोकने के लिए स्टॉप लगे हुए होते हैं, ताकि वो लगने के बाद गाड़ियां आगे न जा पाए, वहीं पर रुक जाए। लेकिन भाइयों जरा आप इस स्टॉप को देखो, इसकी तो बनावटी कुछ ऐसी है कि ये बंद रहे या फिर खुला रहे, इससे गाड़ियों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यार इतना दिमागदार मिस्त्री कौन होगा जिसने इतना लाजवाब काम किया है, मेरा तो इसको इनाम देने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करे भैया पता भी तो नहीं है ना आखिर ये काम किसने किया है। चलो इसी बीच में मैं आपको एक ट्विस्ट दिखाता हूँ। अब यार ये किसकी कलाकारी होगी, जब फर्स्ट में मैंने भी ये फोटो देखा तो एक पल के लिए तो मैं भी चकरा गया था, लेकिन थोड़ी देर ध्यान से देखने पर पता चला कि यहाँ पर तो माजरा ही कुछ और है गुरु। वैसे आपका इस ब्यूटीफुल सी चीज के बारे में क्या ख्याल है, अगर किसी बिजली के खंभे पर कुछ लाइट वगैरह की वायरिंग करनी हो तो भैया वहाँ पर सीढ़ियों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सीढ़ियों के बिना तो ऊपर चढ़ नहीं सकते। अब कुछ ऐसा ही काम ये भाई साहब भी कर रहे थे, लेकिन इनके पास सीढ़ियाँ नहीं थी, लेकिन भैया वायरिंग करनी भी ज़रूरी थी, तो फिर क्या इन्होंने और इनके हेल्परों ने अपना दिमाग दौड़ाया और ये जुगाड़ कर दिया। वाकई में यार तारीफ काबिल जुगाड़ किया है, इन वर्कर्स को तो 15 अगस्त पर पुरस्कृत करना चाहिए। नहीं मतलब ये ऊपर बैठा वर्कर इतने दुख दर्द कष्ट सहकर भी कितने प्यार से काम कर रहा है, अब इनाम देना तो बनता है ना यार। बात तो सही है। देखो सिविल इंजीनियरों का काम बिल्डिंगों के नक्शे बनाने का यानी कि डिजाइनें बनाने का होता है, वैसे और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से एक काम ये भी तो होता है ना, और सिविल इंजीनियर भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर बहुत ही अच्छी अच्छी डिजाइनें बनाते हैं, जैसे कि आप इस डिजाइन को ही देखिए। अब यार ये सिविल इंजीनियरों ने कितनी शानदार डिजाइन बनाई है, और इंजीनियरों ने तो सिर्फ डिजाइन बनाई है, लेकिन भैया असली इनाम का हकदार तो इसको बनाने वाला है। डिजाइन के देखा देख बनाना भी कोई कम कलाकारी का काम नहीं है, वाकई में यार मानना पड़ेगा ऐसी सुंदर कलाकारी के लिए एक लाइक तो बनता है गुरु। जब हम कुछ ज्यादा ही दिमागदार और महंगे ठेकेदारों को घर बनाने के लिए ठेका देते हैं, तो भैया वो भी फिर अपना दिमाग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, जहाँ तक जितना बचाव होता है वहाँ तक वो करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप ठेकेदार की इस कलाकारी को ही देखिए, अब इनको घर का कोलम बनाना था, लेकिन बिजली का खंभा बीच में आ रहा था,
तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना खंबे को ही कोलम बना दे, इससे मकान मालिक की भी बचत हो जाएगी और अपना भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब यार इस कलाकारी को देखकर तो मुझे यही लगता है। और हाँ, अगर ऐसा ही है तो जरा ध्यान से कहीं बिजली विभाग को ना पता चल जाए, वरना मकान मालिक के साथ साथ ठेकेदार की भी गड़िया गड़ी कर देंगे। घर के वेस्ट पानी को, जैसे कि किचन में से जो खराब पानी निकलता है, बाथरूम वगैरह में से जो वेस्ट पानी निकलता है, उसको घर से बाहर निकालने के लिए पाइप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मिस्त्री घर बनाते समय ही लगा देते हैं। लेकिन इन भाई साहब के साथ तो गजब ही हो गया, इनको पाइप ही नहीं मिल रहा था। लेकिन मिस्त्री बड़ा दिमागदार था, तो उसने मकान मालिक से पहले कुछ बोतलें लाने के लिए कहा और फिर ये जुगाड़ कर दिया। अब तो यार इसमें कभी भी पाइप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अनोखा जुगाड़ ही पाइप को जो फेल कर रहा है। यार अगर किसी के घर की दूसरी मंजिल का काम चल रहा हो, तो वहाँ ऊपर दूसरी मंजिल पर गिट्टी बालू रेत वगैरह पहुँचाने के लिए मिस्त्री सीढ़ियों का या फिर कोई दूसरा जुगाड़ लगाते हैं। लेकिन ज़रा आप इन दोनों कलाकारों को देखो, ये बिना किसी सीढ़ी और जुगाड़ के माल को नीचे से सीधे ऊपर पहुँचा रहे हैं। मतलब यार इतने टैलेंटेड मिस्त्री तो ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। इन दोनों कलाकारों के टैलेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है गुरु। तो भैया मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलो यार आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।